गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। बेटा आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास सेवेंथ नॉन कंपटीशन चैप्टर 14। हमने कल तीन क्वेश्चन ट्राई किए थे, आज हम तीन से आगे बढ़ेंगे। फोकस ऑन द बोर्ड क्वेश्चन नंबर 4। बेटा आपको बोर्ड पे देखना है, क्वेश्चन 4 लिखा हुआ है बोर्ड पे। बेटा ध्यान देंगे सभी, लाइन एल इज पैरेलल टू लाइन एम। बेटा हमको दो लाइन्स गिवन है, एल और एम, दोनों कैसे लाइन्स हैं? पैरेलल लाइन्स। एस एंड टी आर ट्रांसवर्सल्स, दोनों क्या हैं? ट्रांसवर्सल हैं। S इज नॉट पैरेलल टू T, जो S लाइन है और T लाइन है ये दोनों लाइन पैरेलल नहीं है। हमसे क्या बोला? फाइंड X एंड Y, हमको क्या करना है? X और Y की वैल्यू फाइंड करनी है। बेटा से भी देखेंगे बोर्ड पर ध्यान से। बेटा मान लो ये वाला आपका एंगल 1 है, तो बेटा आप सभी को पता है एंगल 1 इक्वल्स टू 50 डिग्री। बेटा रीजन, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। बताएं सभी कैसे को बात क्लियर है? एंगल 1 इक्वल्स टू 50 डिग्री, रीजन वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, दोनों एंगल्स आमने सामने है, क्लियर है? हाँ जी, ये बात क्लियर सही बच्चों को? एंगल 1 इक्वल्स टू 50 डिग्री, रीजन रहेगा वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ठीक है? नेक्स्ट पॉइंट ध्यान दो, आपकी लाइन जो L है वो M के पैरेलल है और S इज अ ट्रांसवर्सल। S किसका काम कर रही है? ट्रांसवर्सल का। तो ध्यान दो, एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री। मैंने कल आपको इस चीज बताई थी, एंगल 1 प्लस X इक्वल्स टू 180, बताया था कल आपको रीजन, को इंटीरियर एंगल्स। ये कैसे एंगल है? को इंटीरियर। एंगल 1 कितना है? 50, एक्स हमें पता नहीं, इक्वल्स टू 180, तो एक्स की वैल्यू 180 माइनस 50, वी गोट एक्स की वैल्यू 130। ध्यान दो सभी बोर्ड पे, क्लियर है? एक्स की वैल्यू 130, रीजन रहेगा को इंटीरियर एंगल्स, ठीक है? इन द सेम वे हम निकालेंगे वाई की वैल्यू। ध्यान दो, ये वाई है, इसके सामने क्या रहेगा? वाई, रीजन वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। नाउ फोकस करेंगे सभी, एल इज पैरेलल टू एम और जो टी है वो क्या है? टी इज अ ट्रांसवर्सल। टी किसका काम कर रही है? ट्रांसवर्सल का। तो एंगल वाई और 65, इन दोनों का सम 180, क्या रीजन रहेगा? को इंटीरियर एंगल्स, ठीक है? नेक्स्ट पॉइंट, एंगल वाई की वैल्यू 180 माइनस 65 कितना बचेगा? 115। सो एक्स और वाई हमने निकाल लिए हैं, दीज आर द फाइनल आंसर्स, क्लियर है? बताओ सभी, सभी को क्लियर है? हाँ जी स्टूडेंट्स, फोकस क्वेश्चन नंबर 5। बड़ा ध्यान दो कैसे करेंगे क्वेश्चन। बेटा हमको इस क्वेश्चन में गिवन है कि जो डी ए ई लाइन है वो बी सी के पैरेलल है। ध्यान दो, ये जो लाइन है ये इस बी सी लाइन के पैरेलल है, ठीक है? अगर पैरेलल होगी तो ध्यान दो, ये एक ट्रांसवर्सल है जो दोनों लाइन को काट रही है, दिस इज अ ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल का नाम क्या रख दिया हमने? ए बी। ए बी इज अ ट्रांसवर्सल, ठीक है? अगर ए बी ट्रांसवर्सल होगी तो मैंने आपको कल एक चीज पढ़ाई थी, उल्टे पुल्टे एंगल इक्वल होते हैं, ये वाला एक्स और ये 65 दोनों क्या है? बराबर है, क्योंकि हमने कल पढ़ा था उल्टे एंगल्स को क्या बोलते हैं? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो हम क्या बोलेंगे? एंगल एक्स की वैल्यू कितनी है? 65, रीजन अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है? दूसरा पॉइंट, डी ए क्या है? पैरेलल किसके? बी सी के। इस बार क्या करो? ट्रांसवर्सल को चेंज कर दो, ट्रांसवर्सल हमारी कौन सी हो गई? ए सी। नाउ ए सी इज अ ट्रांसवर्सल, हमने क्या कर दिया? ए सी को ट्रांसवर्सल कर दिया। सो नाउ जो एंगल वाई होगा वो कितना होगा हमारा? 45। एंगल वाई विल बी इक्वल्स टू 45, रीजन अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ये एंगल्स भी उल्टे हैं,
एक लाइन किस तरफ है तो एक लाइन के इस तरफ है, क्लियर है। एंगल एक्स की वैल्यू 65, वाई की वैल्यू 45, रीजन अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, क्लियर है। हाँ जी बेटा, सभी बच्चे रिप्लाई करेंगे, क्लियर है सभी को? बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, दोनों एंगल्स एक ही फॉर्मूले से आ रहे हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है, इजी। हाँ जी स्टूडेंट्स, फोकस ऑन द बोर्ड, दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। ध्यान देंगे सभी कैसे करेंगे क्वेश्चन को। हमको फिगर गिवन है, फिगर के अंदर हमको ये गिवन है कि जो सी ई है वो पैरेलल है बी ए के, जो हमारी सी लाइन है वो बी ए के पैरेलल है, हमको उन्होंने पैरेलल बना दिया। नेक्स्ट हमको दो एंगल गिवन है, वो हमने प्लॉट कर दिए। नेक्स्ट ध्यान दो सभी, अगर बी ए लाइन सी ई के पैरेलल होगी तो ये किसका काम करेगी, ट्रांसवर्सल। इसका मतलब जितना ये होगा उतना ये होगा, रीजन अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। नाम दे सकते हो सी ई पैरेलल है बी ए के, इसके साथ साथ जो ए सी है वो क्या है, ए सी इज अ ट्रांसवर्सल, ए सी एक ट्रांसवर्सल है, तो हम नाम दे सकते हैं एंगल जो बी ए सी होगा ये किसके बराबर होगा, ए सी ई, किसके बराबर होगा, ए सी ई इक्वल्स टू 80 डिग्री, रीजन अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, क्लियर है पहली चीज। दूसरी चीज मैंने आपको बताई थी, कोई भी एंगल होता है वो स्ट्रेट लाइन पे 180 का होता है, इसका मतलब ये एंगल प्लस ये एंगल प्लस ये एंगल, तीनों एंगल का सम 180। सभी नाम देंगे एंगल कौन सा, डी सी ई प्लस कौन सा, ई सी ए प्लस ए सी बी, तीनों एंगल का सम 180, बिकॉज एंगल ऑन अ स्ट्रेट लाइन इज 180। ध्यान दो, एंगल सी ये वाला, दोबारा एंगल सी सी ए ये वाला, ए सी बी ये वाला, इन तीनों का सम 180। ये हमको गिवन है 35, ये हमने निकाल लिया कितना 80, ए सी बी पता नहीं इक्वल्स टू 180। सो एंगल ए सी बी की वैल्यू 180 माइनस ऐड करोगे 115, आंसर विल बी 65 डिग्री। ये आपका क्वेश्चन है, क्लियर है? हाँ जी सभी को यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक ए सी बी इक्वल्स टू 65, ठीक है। थर्ड पॉइंट ध्यान दो सभी, हमारा ये एंगल आ चुका है नाउ 65, हमारा ये एंगल निकल चुका है, ये एंगल तो निकल चुका है, हमको निकालना है ये वाला एंगल ए बी सी। बट आपको पता है एक ट्राइंगल के अंदर तीनों एंगल का सम 180। नेक्स्ट लगाएंगे एंगल सम प्रॉपर्टी, नाम दे दो ए बी सी प्लस बी ए सी प्लस सी, ध्यान दो कौन सा हो गया, ए बी सी ये वाला, बी ए सी ये वाला, नेक्स्ट ये वाला ए सी बी, तीनों का सम 180, रीजन एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है। एंगल बी मुझे निकालना है, ऐसी छोड़ दो, एंगल ए की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 80, ए सी बी हमने निकाला 65 इक्वल्स टू 180। यहां से निकालेंगे एंगल ए बी सी कितना आएगा, 180 माइनस, दोनों एंगल को माइनस करेंगे जोड़ के, जोड़ के करोगे तो 145, माइनस करोगे आपको मिलेगा 35। दिस इज द आंसर, बताओ क्लियर है सभी को? हाँ जी ऑल स्टूडेंट्स, क्वेश्चन 6 तीन स्टेप में किया है हमने क्वेश्चन, पहला स्टेप अल्टरनेट एंगल्स, दूसरा स्टेप एंगल ऑन अ स्ट्रेट लाइन, तीसरा कंसेप्ट एंगल्स एंड प्रॉपर्टी।
बताओ सभी, क्लियर है सभी को? हाँ जी स्टूडेंट्स, ध्यान दो बोर्ड पे, देखो क्वेश्चन नंबर 7 कैसे करेंगे बेटा। जो AO है ना वो CD के पैरेलल है, ध्यान दो, जो हमारी AO लाइन है वो CD के पैरेलल है, तो CD को थोड़ा सा एक्सटेंड कर दो। जो हमारी AO लाइन है वो हमारी CD के पैरेलल है, ठीक है, ध्यान दो। ये किसे काम करेगी? ट्रांसवर्सल का। सब ध्यान देंगे, एज AO इज पैरेलल टू CD एंड OB इज अ ट्रांसवर्सल, किसका काम करेगी? ट्रांसवर्सल का। तो ध्यान दो बेटा, इस एंगल का और इस एंगल का सम हाउ मच? 180। आप क्या करो, इस एंगल का नाम दे दो ODC। ध्यान दो, 50 डिग्री प्लस एंगल ODC इक्वल्स टू 180। रीजन, को इंटीरियर एंगल्स, यहां से निकालो ODC। 180 माइनस 50 कितना आ चुका है हमारा? 130। ठीक है, क्लियर है सभी को? ये बात क्लियर है सभी को? हमने क्या किया, ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल, इन दोनों एंगल का सम कितना? 180। रीजन, को इंटीरियर एंगल्स, क्योंकि ये हमारी ट्रांसवर्सल है और हमारे ये एंगल दोनों ट्रांसवर्सल के एक साइड है, तो एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री। ठीक है, नेक्स्ट ध्यान दो, सेकंड पॉइंट क्या है? ओ बी पैरेलल है किसके? सी के। ये लाइन पैरेलल है इस लाइन के, इसको आगे बढ़ा दो। हमारी ये वाली लाइन इस लाइन के पैरेलल है, तो ये किसका काम करेगी? ट्रांसवर्सल। कौन? सी डी। ध्यान दो सभी, एज ओ बी इज पैरेलल टू सी ई एंड ट्रांसवर्सल सी डी, सी डी इज अ ट्रांसवर्सल। तो बेटा उल्टे उल्टे एंगल एक समान, जितना ये होगा उतना ये होगा, क्योंकि एक लाइन के साइड तो एक लाइन के उस साइड, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो हम क्या बोलेंगे? एंगल ओ डी सी इक्वल्स टू, ध्यान दो, ओ डी सी शुड बी इक्वल्स टू ई सी डी, कितना है वो? 130। रीजन, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। बताओ सभी, क्लियर है? हाँ जी बेटा, सभी स्टूडेंट्स देख सकते हो आराम से, बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। आंसर इज 130। हमने एक बार यूज किया को इंटीरियर एंगल्स, एक बार यूज किया अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। क्लियर है? फोकस बेटा, दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 बेटा। इस क्वेश्चन में देखो हमको गिवन क्या है, ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ये हमारी लाइन इसके पैरेलल है, दिस लाइन इज पैरेलल टू दिस लाइन। नेक्स्ट हमको क्या गिवन है, ए बी ओ 50 गिवन है, ठीक है, सी डी ओ 40 गिवन है, ठीक है, हमको निकालना कौन सा है? बी ओ डी, पकड़ो बी ओ डी, हमको ये वाला एंगल निकालना है कंप्लीट। तो बेटा आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन में एक कंस्ट्रक्शन करनी है। कंस्ट्रक्शन बेटा क्या करनी है आपको, एक लाइन ड्रॉ करनी है जो कि ओ से पास होती है और वो हमारी गिवन लाइंस के पैरेलल है। मान लो आपने लाइन ड्रॉ करी ई एफ एंड दिस लाइन इज पैरेलल टू ए बी एंड सी डी। ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू ए बी एंड सी डी सच डेट, हमने एक लाइन ड्रॉ करी जो लाइन हमारी पैरेलल है किसके? ए बी के और सी डी के। तो हम बोल सकते हैं ए बी इज पैरेलल टू ई एफ एंड ई एफ इज पैरेलल टू सी डी। इसका मतलब है तीनों लाइंस आपस में क्या है? पैरेलल। ठीक है, अब ध्यान दो सभी, एज ए बी इज पैरेलल टू ई एफ, ध्यान दो ए बी पैरेलल है ई एफ के और जो बी ओ है ना ये काम कर रही है ट्रांसवर्सल का।
बीओ इज अ ट्रांसवर्सल, बीओ काम करिए किसका, ट्रांसवर्सल का। तो बेटा ध्यान दो, हम इसको आगे बढ़ा देते हैं, ये ट्रांसवर्सल है, तो बेटा जितना ये एंगल होगा उतना ये एंगल होगा, बिकॉज अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, दैट मींस एंगल नाम दे दो ए बी ओ शुड बी इक्वल्स टू बी ओ एफ, ठीक है, ए बी ओ शुड बी इक्वल्स टू बी ओ एफ कितना होगा 50 डिग्री। रीजन अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, इसका मतलब ये 50 है तो ये कितना आ चुका है 50, ठीक है। अब आ जाओ नीचे, एज ई एफ इज पैरेलल टू सी डी, ध्यान दो जो ई एफ है वो सी डी के साथ पैरेलल है और ये हमारी ट्रांसवर्सल है, कौन सी ओ सी सॉरी ओ डी, ओ डी इज अ ट्रांसवर्सल, ठीक है, ये लाइन हमारी ट्रांसवर्सल है, तो जितना ये होगा उतना ये होगा, उल्टे पुल्टे एक समान, नाम देंगे एंगल्स का कैसे, ध्यान दो सी डी ओ शुड बी इक्वल्स टू डी ओ एफ इक्वल्स टू 40 डिग्री। रीजन अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है, हमारा ये एंगल 50 आ चुका है, ये हमारा 40 आ चुका है, हमसे पूछा था कंप्लीट एंगल, तो हम क्या करेंगे, सो एंगल बी ओ डी किसके बराबर है बेटा, सम ऑफ टू एंगल्स बी ओ एफ प्लस एंगल डी ओ एफ, ऊपर वाला कितना आया था 50, नीचे वाला 40, दोनों को ऐड कर दिया 90, सो 90 इज द आंसर, ठीक है, क्लियर सभी को, हाँ जी ऑल स्टूडेंट्स क्लियर सभी को, बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, बताओ सभी क्लियर है, हाँ जी स्टूडेंट्स बेटा क्लियर है, सभी बच्चों को, ठीक है, टुडे वी विल डिस्कस अप टू क्वेश्चन नंबर 8, बाकी क्वेश्चन हम कल कवर करेंगे, ठीक है, गॉट इट ऑल, आज हम 8 तक कवर कर रहे हैं, बाकी क्वेश्चन हम कल कवर करेंगे, टुमारो वी विल फिनिश दिस चैप्टर, ओके, सो आपको आज 8 तक प्रैक्टिस करने हैं, 8 तक प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है, सो नाउ थैंक यू वेरी मच, यू कैन लीव द मीटिंग, वी विल मीट टुमारो, ओके बाय, टेक केयर, बाय स्टूडेंट्स, बाय। बेटा मैं आपको वीडियो आज शाम तक भेज दूंगा, ठीक है, मैं अभी अपलोड लगा दूंगा और आपको ये कल शाम तक, मतलब आपको शाम तक मिल जाएगी, ठीक है, बाय बेटा, बाय।